शिव कुमार वर्मा ट्रेडर्स चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चाहें तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। चैनल का 5x5 रूल आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। एक स्टॉक में 5% से ज्यादा निवेश नहीं करने की जरूरत है। अगर हमारी ट्रेड्स को कॉपी करना है तो 299 का एडवांस पैकेज यूट्यूब के पेड मेंबर बन सकते हैं। चलिए चलकर शुरुआत करते हैं। दो स्टॉक लेके आए हैं आपके लिए, PVR सिनेमा, आज काफी तकड़ी गिरावट आई है, क्या है कारण, और साथ साथ में रिलायंस कैपिटल, ट्रेडिंग हो गई है बंद, NCLT का प्रोसेस कब होगा कंप्लीट, इसके बारे में पूरी व्याख्या की जाएगी, और कितना मिलेगा शेयर होल्डर को माल, ये भी बात करेंगे। बहुत बड़ी खबर है, आइए जरा चलकर शुरुआत करते हैं और आपको पूरी न्यूज बताएंगे दोनों के चलते हुए। देखिए, क्रेडिटर्स जो है उनकी मीटिंग चल रही है यहां पर, और मीटिंग का फाइनलाइजेशन हो गया है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने रिव्यू कर ली है रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर रिलायंस कैपिटल। अब उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए उनको सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है और कितना जल्दी दे रहा है। यहां पर इंडसइंड बैंक और साथ साथ में ओकट्री कैपिटल, इसके अलावा टोरेंट ग्रुप आर अमंग द 6 बिडर्स जो यहां पर रिलायंस कैपिटल को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन बिडिंग में अलग अलग एज पर द पर्सन क्लोज टू द मैटर, 1 out of the 6 विल गेट सेलेक्टेड। यहां पर अगर देखें तो जो सबसे पहली बिडिंग आई है वो है 4,500 करोड़ रुपए की। इसमें हिंदुजा ग्रुप, ओकट्री कैपिटल और अदर कंपनीज हैव ऑफर्ड अप टू दिस मच। और यहां पर एटलीस्ट 3 बिडर्स हैव सॉट टू बाय ओनली द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, और इसमें चैलेंज होगा, अगर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस देंगे तो शेयर होल्डर की कैपिटल थोड़ी सी कम हो जाएगी स्प्लिट होने की वजह से, एज पर द पर्सन फेमिलियर टू द मैटर। साथ साथ में अगर देखें तो यहां पर जो कॉस्मिया फाइनेंशियल है, इन्होंने 4,500 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है, एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 1 करोड़ इनटू डिस्ट्रेस फाइनेंशियल एसेट, और इसके अलावा यहां पर बिड फॉर जनरल इंश्योरेंस के साथ भी इन्होंने की है इंटरनेशनल पिरामिड एडवेंट इंटरनेशनल और पिरामिल लेड कंसोर्टियम। तो अलग अलग ग्रुप की कंपनीज का ज्यादा चांस है इसका यहां पर देखने के लिए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यहां पर कुछ कंपनीज ने नॉन बिडिंग ऑफर और नॉन बाइंडिंग ऑफर ऑफ 7,000 करोड़ रुपीज भी मिला है इनको, जो हाईएस्ट है एडवेंट इंटरनेशनल के थ्रू, और जो यहां पर बाइंडिंग ऑफर है 3,700 to 3,800, यानी कि ये कह रहे हैं कंफर्म इतना पैसा देंगे, यहां कह रहे हैं अप टू दिस मच अमाउंट आपको हम दे सकते हैं। ऑल्दो एडवेंट ऑफर द हाईएस्ट, इट इज नॉट रेलिवेंट सिंस नॉन बाइंडिंग ऑफर कुड वेरी ड्यू आफ्टर द ड्यू डिलीजेंस। तो कंफर्मेशन नहीं है 7,000 का, 7,000 इंडिकेटिव नंबर है इन्होंने जो यहां पर एडवेंट इंटरनेशनल ने बताया है। अब अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से एक्सिस बैंक ऑल्सो अप्रोच यहां पर एनसीएलटी के लिए इसको एडमिट करने के लिए, और इसमें एक्सिस बैंक का सबसे मेजर रोल रहेगा, वो किसको सेलेक्ट करती है। यहां पर इन्होंने अपनी एक्सटेंड करती थी डेडलाइन, अब वो कंप्लीट हो चुकी है, और यहां पर जो 54 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए थे उसमें से आया है, अब ट्रेडिंग आज बंद हो गई है इसकी, ट्रेडिंग अब यहां पर नहीं चलेगी स्टॉक में। और इसके चलते हुए जो रिलायंस कैपिटल का प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखी जाए तो 4,491 करोड़ रुपए का इनको लॉस था इस क्वार्टर में। यहां पर क्या वन बाय वन इसको बेचेंगे या फिर एज अ होल बेचेंगे, अगर होल बेचते हैं तो शेयर होल्डर के लिए सबसे ज्यादा फायदा है। मार्केट कैप देखी जाए करीब करीब 4,000 करोड़ की है मार्केट क्लोज होने के टाइम पर, और वैल्यूएशन की दृष्टि से इसको अप टू 1,000 करोड़ की यहां पर वन ऑफ द बिडर ने रखा है इसका इक्विटी वैल्यूएशन, तो ये ऑलमोस्ट पैसा डबल हो जाएगा शेयर होल्डर्स के लिए अगर ये बिडिंग यहां पर एक्सेप्ट कर ली जाए। बट दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू लेंडर्स, यहां पर शेयर होल्डर का कुछ नहीं चलता है, लेंडर्स जिसको सबसे ज्यादा अपफ्रंट कैश देगा वो उसको लेंगे। तो अगर ऐसा होता है हमारे हिसाब से ये बिड एक्सेप्ट की जाए तो शेयर प्राइस विल गो टू डबल द प्राइस। आइए जरा चलकर देखते हैं रिलायंस कैपिटल का क्या हो रहा है यहां पर, उसके बाद हम पीवीआर का भी बात करेंगे। तो देखिए आज कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, कल बंद होते होते 16.75 रुपए का भाव बंद हुआ था, और कल अगर इसका 15 मिनट का चार्ट पर देखें तो कल मॉर्निंग से अब सर्किट लगा था 18.45 का और बंद होते होते 16.75 रुपए, यानी कि अगर जब ट्रेडिंग शुरू होती है एनसीएलटी का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तो ये 32 रुपए 33 रुपए के बीच में ट्रेड करना चाहिए। अब अगर पीवीआर सिनेमा की बात की जाए तो यहां पर पीवीआर सिनेमा थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, अभी फिलहाल में इनकी चैलेंजेस हो रही हैं क्योंकि कंपनीज की जो पिक्चर है वो इतनी ज्यादा नहीं चल पा रही है। अगर आप
इनकी देखें ब्रह्मास्त्र, इसका रिव्यू भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं, बट बुकिंग अच्छी चल रही है। लेट्स सी कि वीकेंड पर कैसा इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन आता है। तो इस सब के चलते हुए यहाँ पर एक पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर बन रही है इस सिनेमा सेक्टर को अगर देखा जाए तो। इन्होंने हालांकि अपना आपके साथ में कॉम्बो ऑफर भी दिया है, पॉपकॉर्न भी देंगे, सैंडविच भी देंगे और रेगुलर रिफ्रेशिंग पेप्सी भी देंगे। इसके लिए ये आप बुकिंग कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आर एप्लीकेबल। अगर पीवीआर सिनेमा का मार्केट कैप देखे जाए तो 11,000 करोड़ की कंपनी है और इसमें डेली करीब करीब 7 लाख शेयर एंड एक्सचेंज होते हैं जिसमें 32% की डिलीवरी है। आप अगर चाहें तो अपने पोर्टफोलियो का 2% तक हिस्सा इसमें खरीद के रख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी जो चैलेंज है पीवीआर सिनेमा में, काफ़ी ज़्यादा तकड़ा गिरावट आई है आज। देखिए आज का अगर भाव देखें तो 200 ये इसका 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर है जो कि 1939 से गिरा है और ये 1833 तक पहुंच गया है। अगर ये गिरना शुरू होता है तो हमारे हिसाब से 200 डे मूविंग एवरेज का एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 1715 के आसपास। इसने काफ़ी अच्छा उछाल दिखाया है, हालांकि ये बात नोट करने वाली है, यहाँ से देखिए इसने मोमेंटम शुरू किया था और यहाँ से 1200 रुपये से बढ़कर ये ऑलमोस्ट हाई 2200 रुपये तक चला गया था, 1080% के आसपास इसका रिटर्न आ चुका है। तो ये खरीदने का अच्छा मौका है। क्या जो गिरावट आ रही है, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होगी अक्टूबर 11th को जिसमें अप्रूवल देखा जाएगा पीवीआर एंड आईनॉक्स के मर्जर के लिए और यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मुंबई ऑफिस में सेम ऑफिस में यहाँ पर इसकी सिक्योर मीटिंग भी कर दी गई है। तो ये एक अच्छी बात है, प्रोग्रेस हो रहा है, बट एक चैलेंज है। CCI का एंगल आपको देखना है, CCI नीड टू प्रोवाइड अप्रूवल क्योंकि CCI का ऑब्जेक्टिव है कि कंपटीशन रहेगा इसके बाद में। आईनॉक्स और पीवीआर दोनों मेजर है यहाँ पर मार्केट में, अब अगर दोनों ही मिल जाते हैं तो फिर कंपटीशन खत्म हो जाएगा। इस हिसाब से CCI का अप्रूवल एक की फैक्टर होगा इस स्टॉक को ऊपर चलने के लिए। देखिए ब्रह्मास्त्र का रिव्यू जैसा हमने बताया मिक्स्ड है, इसमें शायद इतना अच्छा यहाँ पर जैसा बता रहे हैं लोग बाग उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिख पाएगा और ये एक चैलेंजिंग पोजीशन हो सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर जी की फिल्म इनकी वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग फिल्म मानी जा रही है। तो इसके चलते हुए स्टॉक ने काफ़ी गिरावट देखी है क्योंकि जैसे जैसे इनकी मूवी का रिव्यू आया है और उसमें मिक्स रिव्यू के होने की वजह से शायद ये मूवी इतनी ज़्यादा ना चल पाए। अगर चल पाएगी तो स्टॉक फिर से तेज भागेगा, बट गिरावट इस शेयर में आपके लिए खरीदने का मौका होगा। आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। मंडे के दिन हमारी उम्मीद है कि यहाँ पर क्लियर होगा कि क्या मोमेंटम रहे, कैसे बढ़िया चलेगी मूवी की नहीं, तब तक वीकेंड का रिजल्ट भी आ चुका होगा। और मंडे के लिए उन्होंने एक स्पेशल पैक भी लगाया हुआ है, अगर आप सीनियर सिटीजन के साथ जाते हैं तो आपको फ्री ऑफर मिल सकता है सीनियर सिटीजन के लिए, इनको अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस आउटिंग एज वेल एज सीइंग द मूवी ऑन द बिग स्क्रीन। तो ये अच्छी बात है। इसका अगर टेक्निकल व्यू देखा जाए तो मूविंग एवरेज के बेसिस पर 1715 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। आज काफ़ी तकड़े वॉल्यूम के साथ गिरा है, 1.7 मिलियन के आसपास इसमें गिरावट आई है और देखिए जैसा 1700 का हमने बताया और यहाँ पर कई बार इसने ये सपोर्ट लिया है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह से कारोबार करेगा। 1700 के एवरेज के देखिए 1715 से लेकर 1685 के बीच में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक पर। यहाँ पर आज इसने ब्लैक क्रॉसओवर कर दिया है, इसको देखिए ऊपर चलने की कोशिश कर रहा था बट यहाँ पर मार्केट ने फिर से एक डिप दिखानी शुरू की है। अगर डिप दिखती है और ये फर्दर नीचे आ सकता है ग्रीन वन के नीचे तो ये ब्लैक क्रॉसओवर माना जाएगा कंफर्म होके। सुपर ट्रेंड के बेसिस पर भी इसने सपोर्ट, इसने अपना रेजिस्टेंस माना है 1964 का और शायद ये थोड़ी सी गिरावट का देखेगा 50-40 के आसपास RSI तो अभी और गिर सकती है इसमें। यहाँ पर अगर बुलिंजर बैंड को देखें तो बैंड का ऊपर हिस्सा नहीं कनेक्ट कर पाना और नीचे की तरफ को गिरना एक चैलेंजिंग पोजीशन बन सकती है। 1742 का सपोर्ट लग रहा है अभी यहाँ पर, बैंड तभी थोड़ी कम होगी। मैकडी ने इसको और एक बार अटेम्प्ट किया था बाय करने के लिए बट ये पहली रेड कैंडल बनना, मोमेंट के साथ ऊपर ना उठना एक वीकनेस दिखाता है स्टॉक में। यहाँ पर अगर हमारी ट्रेड करनी है तो मेल ड्रॉप करेंगे। जय हिंद जय भारत।